तो आइए, एरोमेटिसिटी में हम लोग देख चुके थे, एंटी एरोमेटिसिटी भी हम लोग अभी देख लिए। उसमें हमने आपको स्टेबिलिटी बता दिया कि एरोमेटिक की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, फिर नॉन एरोमेटिक, और फिर क्या होगा, एंटी एरोमेटिक ना। स्टेबिलिटी वाइज किसकी बात करें हम लोग, स्टेबिलिटी ट्रेंड है ना। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। एंटी एरोमेटिक्स, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स हाईली अनस्टेबल होते हैं और एरोमेटिक हाईली स्टेबल। कोई भी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जनरली स्टेबल नहीं होता। जनरली क्या मतलब, हाईली अनस्टेबल है, रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो किधर कन्वर्ट होना चाहेगा, नॉन एरोमेटिक में। एरोमेटिक तो पहुँच नहीं पाएगा, तो जनरली वो किस में कन्वर्ट होना चाहेगा, नॉन एरोमेटिक में। एक बेसिक बार एक बार हम फिर से हम लोग क्लियर कर लें इसको, इस चीज़ को एक कॉलम वाइज बना के सब में डिफ्रेंशिएट कर लें, और थोड़ा सा रीज़न भी देख लेंगे कि क्यों एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल है कॉम्पेरिजन टू। तो थोड़ा सा एक डिफरेंसेस हम लोग बना लें, जैसे कि एरोमेटिक की बात करें, फिर एंटी एरोमेटिक की बात करें, और नॉन एरोमेटिक। ठीक है, नॉन एरोमेटिक तो कैलो एलिफेटिक कंपाउंड्स। पहला कंडीशन जो है वो साइक्लिक एंड प्लेनर। ठीक है, सिंपल सी बात है, साइक्लिक एंड प्लेनर, ये भी साइक्लिक एंड प्लेनर, ये दोनों सेम है। ये साइक्लिक, ए साइक्लिक, प्लेनर, ए प्लेनर, कुछ भी साइक्लिक या ए साइक्लिक, प्लेनर, नॉन प्लेनर, कोई दिक्कत नहीं, नॉन को प्लेनर, जो भी हो। पहला तो दो, इन दोनों का सेम, उसका अलग। दूसरा रीजन है हमारे पास कि ऑल एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, मतलब बॉन्डेड रिंग में जो इन्वॉल्व एटम है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, एंड डीलोकलाइजेशन थ्रू आउट द रिंग। ठीक है, डीलोकलाइजेशन थ्रू आउट द रिंग। ठीक है, इसमें भी सेम है डू, ये भी ऑल एटम्स और sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड डीलोकलाइजेशन थ्रू आउट द रिंग। ठीक है, इसमें कोई भी हो, sp2 हो, sp हो, sp2 sp3, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, डीलोकलाइजेशन, नॉन डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन पार्शियल, नॉन पार्शियल, जो भी हो, कंप्लीट या पार्शियल, जो भी हो, कंप्लीट, पार्शियल, नॉट प्रेजेंट, कुछ भी। नेक्स्ट हकल रूल है हमारा, थॉट केस क्या है हमारा, हकल रूल क्या था, 4n+2π इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या है, यहाँ पे थोड़ा अंतर है, इन दोनों दो रीजन तक तो ठीक थे, 4n π इलेक्ट्रॉन्स, इसमें क्या था 2, 6, 10, 14 सो ऑन, यहाँ पे क्या है 4, 8, 12 सो ऑन, और एनी नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है। ठीक है, बेसिक इससे फिर थोड़ा सा ये आएगा, ये थोड़ा एरोमेटिक हम कर ले रहे हैं, ऐसे फिर से लिख ले रहे हैं, ये एंटी और ये नॉन एरोमेटिक। ठीक है, इसमें नेक्स्ट आएगा हमारे पास फोर्थ पार्ट, इसमें क्या होगा, जो ओवरलैप है, क्योंकि कॉन्जुगेशन है। ठीक है, कॉन्जुगेशन लोग पढ़ चुके हैं, तो ओवरलैपिंग होगा बिटवीन द पी ऑर्बिटल्स, तो इसमें फेवरेबल ओवरलैप बिटवीन द, हम लोग कह सकते हैं कि फेवरेबल ओवरलैप बिटवीन द पी ऑर्बिटल्स। ठीक है, इसमें क्या होगा, अनफेवरेबल ओवरलैप, रीजन पी ऑर्बिटल्स
इसका रीज़न ये होगा कि इसके कुछ इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन्स है, सम पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रहेंगे, ठीक है, या कह लो इसका कि हायर ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होगा वो हाफ फिल्ड होगा, पार्शियली फिल्ड होगा, और इसमें कम्प्लीटली फिल्ड होता है हायर ऑक्यूपाइड। इसमें फेवरेबल अनफेवरेबल कुछ भी हो सकता है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, या अनफेवरेबल नेक्स्ट जो पांचवा है इसमें कि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर आर इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BMO, ठीक है, इसमें क्या होगा पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, सम पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं आर इन नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये थोड़ा सा बेसिक रीज़न है अनस्टेबिलिटी का, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी हाई होती है, तो उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो उनकी एनर्जी हाई हो जाएगी, ठीक है, तो इसमें तो कुछ भी हो सकता है, एनी BMO इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, BMO ABMO कुछ भी हो, कोई फर्क, इसकी जो रेजोनेंस एनर्जी होगी ऑलमोस्ट हाई होती है, इसमें क्या होगी जीरो, इसमें लो होती है, ठीक है, हाई अप्रॉक्सीमेटली 25 किलो कह सकते हो आप, इसकी एनर्जी जो होती है ग्रेटर देन 25 किलो कैलोरी पर मोल से, ठीक है, और इसके 7 से 8 होगी किलो कैलोरी, क्लियर है, स्टेबल हाईली स्टेबल हाईली हाईली अनस्टेबल, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर, इवन डज नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, नॉर्मल स्टेबिलिटी लाइक एल्किन्स, परफेक्ट है। नेक्स्ट इसका जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है स्टेबल होता है, लेस रिएक्टिव, हम लोग थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस देख रहे हैं, पढ़े तो हम लोग हैं सब चीज़ को देख चुके हैं, ठीक है, हम लोग थोड़ा सा इसमें ध्यान दोगे कि कम्प्लीटली फील्ड HONO होता है, थोड़ा सा जैसे हम यहाँ बता दी मेमो, इसको एक पॉइंट यहाँ भी लिख लेना, कम्प्लीटली फिल्ड करीब करीब HONO होता है और ये करीब करीब पार्शली फिल्ड HONO, ठीक है, और इसमें कुछ भी हो सकता है, तो ये दो बेसिक रीज़न है जिनके वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा और इसकी स्टेबिलिटी कम होती है, बहुत कम, ठीक है, तो हम लोग ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस देख रहे थे। कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन देखोगे तो एरोमेटिक का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या है, लेस रिएक्टिव है, तो ज़्यादा फेवर ये थोड़ा सा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को करता है, ये हाईली अनस्टेबल है तो स्टेबल की तरफ जाना चाहेगा, तो डाइमराइजेशन एक फैक्टर है, ठीक है, और नॉन एरोमेटिक तो नॉर्मल एडिशन रिएक्शन लाइक एल्कीन। तो रिएक्शंस की बात करें हम लोग थोड़ा सा नाइन्थ वाला करेक्टर देख लें, हम यहाँ थोड़ा सा लिख दें इसको, तो नाइन्थ पार्ट आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस की बात करें तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा, क्या देगा जनरली हम लोग को यही पढ़ना है अपने सिलेबस में ज़्यादातर एरोमेटिक कंपाउंड्स में, जैसे कि कॉमन नेम है हम लोग जानते हैं हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन, सब क्या है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब एरोमेटिक कंपाउंड में। एंटी एरोमेटिसिटी जनरली फॉर स्टेबिलिटी डाइमराइज करे गए, इसका एक एग्जांपल हम लोग दे लेंगे, और नॉन नॉर्मल एडिशन रिएक्शन ऑफ एज एल्कीन्स, ठीक है, एल्कीन्स है ये, तो ये बेसिक है। जैसे हम लोग इसकी बात कर रहे थे डाइमराइजेशन में, जैसे बताए थे हम लोग क्या साइक्लोब्यूटाडाइन, हम लोग किसकी बात करें साइक्लोब्यूटाडाइन,
से लास्ट लेक्चर में भी हम ये दिखाए थे कि रेक्टेंगुलर शेप में रहता है अगर ये लेंथ बराबर है, तो इसके पास दो है, एक तो ये एक्सपेंड कर जाए ऐसे, लेंथ बड़ा कर ले, ठीक है, लेंथ बड़ा हो गया तो भाई क्योंकि कॉन्जुगेशन है तो दोनों का बॉन्ड लेंथ क्या होना चाहिए, सेम, क्योंकि इक्वलेंट है। इस केस में जैसे ये ऐसे जाएगा, इस केस में ऐसे जाएगा, तो ये कुछ ऐसा आएगा, उसके लिए चारों बॉन्ड लेंथ क्या होना चाहिए, सेम। पर यहाँ पर अगर सेम नहीं है, यहाँ जैसे L1 और L2 बताए थे, L1 नॉट इक्वल टू L2, तो नो कॉन्जुगेशन। एक तो ये है, इस फॉर्म में आ जाए बॉन्ड को। दूसरा तरीका है कि थोड़ा सा डाइमराइज कर जाए, दूसरा तरीका डाइमराइजेशन वाला है, डाइमराइजेशन का क्या है, तो ये डाइमराइजेशन मतलब दो मॉलिक्यूल रहेंगे, एक यहाँ अपना फ्री रेडिकल बनाएगा, दूसरा ऐसे ही फ्री रेडिकल बनाएगा अपना, और फिर जुड़ जाएंगे, तो ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा, यहाँ 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 और इस टाइप, तो नॉन एरोमेटिक हो गया। तो थोड़ा ये है डाइमराइजेशन, मतलब दो मॉलिक्यूल होमोलाइटिक क्लीवेज की, ये ऐसे 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 ऐसे, ये इसके साथ जुड़ गया, ये इसके साथ जुड़ गया और ये बॉन्ड बढ़ गया, तो एक फैक्टर ये है, ठीक है, तो इसको थोड़ा नोट कर लीजिए।